सो हेलो 10 स्टैंडर्ड, वेलकम टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट एंड दिस इज शुभम। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन के अंदर ज्योग्राफी का क्वेश्चन पेपर। एक्चुअली डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जिसको आपको प्रैक्टिस करना है, आप ही को आंसर ढूंढने हैं और आप ही को कमेंट करके सारे आंसर्स बताने हैं ताकि दूसरे स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। अगर आप पढ़ने में अच्छे हो, इफ यू हैव गुड आंसर्स, इफ यू हैव प्रॉपर आंसर्स, तो यू कैन शेयर विद स्टूडेंट्स विद द हेल्प ऑफ कमेंट सेक्शन। सो लेट्स बिगिन विद दिस क्वेश्चन पेपर। दिस इज कंप्लीट 40 मार्क्स क्वेश्चन पेपर फॉर योर सेमिस्टर वन एग्जामिनेशन। ओके, तो शुरू करें। सेमिस्टर वन है, बोर्ड्स तक भी पहुंचना है, तो सारे क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस करते जाओगे तो बोर्ड्स के लिए नहीं ज्यादा कुछ बचने वाला नहीं, आप सब कुछ कवर कर चुके होंगे। तो ज्योग्राफी का लुक एट दिस, दिस इज ज्योग्राफी कंप्लीट क्वेश्चन पेपर। ओके, तो शुरू करते हैं अपन। क्या क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर वन के अंदर आपको पूछे जाएंगे 4 MCQ, टोटल 4 MCQ, चारों के चारों मार्क्स आपको मिल जाने चाहिए। लेट्स सी कितने लोग कमेंट करके राइट आंसर बताते। चैलेंज वन, चैलेंज टू, चैलेंज थ्री, चैलेंज नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर वन ए के अंदर 4 MCQ पूछे जाएंगे, 4 मार्क्स सबको मिल गए। मैं मान के चलता हूँ जो भी क्रिस्टल कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं उनको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। देखो मैंने जो आंसर दिया करेक्ट है क्या, कमेंट करके बता देना। आपके आंसर टाइप कर लेना, मैं चेक कर लूंगा मेरे करेक्ट है कि नहीं करेक्ट, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर वन का बी के अंदर आपको मैच द फॉलोइंग 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे रिवर्स के नाम दिए और कुछ उनके बारे में दिया, वो कहाँ पे पाए जाते हैं, तो यहाँ पे फटाफट कमेंट करो। तो इसको मैं आपको लिए बोलूंगा चैलेंज नंबर 5, जैसे चैलेंज नंबर 5। ओके, मैच द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर टू का ए टोटल 4 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाएगा। यहाँ पे 5 में से कोई भी 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, मतलब आप समझ सकते हो कि आंसर भी 1 या 2 लाइन में आपको लिखना है ज्यादा से ज्यादा मोटा मोटी, ठीक है ना। तो दिस इज योर चैलेंज नंबर 6, जिसमें आपको सारे आंसर 1 का आंसर, 2 का आंसर, 3 का आंसर, 4 का आंसर टाइप करके बताना है। चैलेंज नंबर 6 1 मार्क्स के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू का बी के अंदर आपको 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा एनी 4, कोई भी 4 सॉल्व करने हैं, सेंटेंस राइट और रॉन्ग है। अगर राइट है तो ठीक है, रॉन्ग है तो उसको रीराइट करके बता देना कि भाई राइट क्या है उसमें से, ठीक है ना। तो दिस इज योर चैलेंज नंबर, कितना हो गया है चैलेंज नंबर, देखो चैलेंज नंबर 7, और उसमें 1 का लिख देना, 2 का आंसर लिख देना, 3 का आंसर लिख देना, 4 का आंसर लिख देना, इस तरीके से। समझ में आ रहा है? बड़ा सिंपल है, बस आइडिया ले लो किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। बस बहुत सारा माइंड एकदम क्लियर हो जाएगा। ये ज्योग्राफिकल रीजंस, आपको ज्योग्राफिकल रीजंस देने, कोई भी 2 सॉल्व करने हैं और 6 मार्क्स का सवाल है, मतलब यहाँ पे एक क्वेश्चन को 3 मार्क्स मिल रहे, एक क्वेश्चन को 4 में से कोई भी आपको 2 सॉल्व करने, एक क्वेश्चन को 3 मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं वो बता दूंगा आपको यहाँ पे कि चैलेंज नंबर 7 के बाद अपने पास ये है चैलेंज नंबर 8, चैलेंज नंबर 9, चैलेंज नंबर 10, चैलेंज नंबर 11। देखो कितने लोग कमेंट करके आंसर बताते हैं। आप कॉपी पेस्ट करोगे तो भी चलेगा, बट आंसर को रीड कर लेना, जो भी आंसर है रीड कर लेना कॉपी पेस्ट करने से पहले कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर मेक्स द फॉलोइंग आउटलाइन मैप ऑफ द ब्राजील, राइट द नेम ऑन, गिव द इंडेक्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर एनी 4 सॉल्व करने हैं आपको, 4 बताने मैप के अंदर जो भी है, और क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल 4 मार्क्स का सवाल है ये, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का ए 4 मार्क्स का सवाल है। एंड दिस इज योर चैलेंज नंबर 11, तो ये हो जाएगा चैलेंज नंबर आपका 12। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का बी का ग्राफ आपको दे रखा है और ऑब्जर्व द गिवन मैप केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इस ग्राफ के रिलेटेड, इस पर्टिकुलर, ये कौन सा है, इंडिया पॉलिटिकल मैप है, ये इंडिया का पॉलिटिकल मैप है, और इस ग्राफ के रिलेटेड आपको क्वेश्चन नंबर 4 का बी में कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। टोटल में भी 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस होगा और इनमें से कोई भी आपको मे बी 4 या 5 सॉल्व करने, जो भी है पूरा करना पूरा कर लेना। नेम द 2 स्टेट्स एट द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इन द इंडिया। तो आपको ग्राफ में देख के ही इसका आंसर बताना है, ग्राफ में आपको देख के इसका आंसर बताना है, ज्यादा नहीं। तो दिस इज चैलेंज नंबर 13, तो 1 का आंसर ऐसे टाइप करना, 2 का आंसर ऐसे टाइप कर लेना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 का 12 मार्क्स का सवाल है, कोई भी 3 सॉल्व करने, मतलब एक क्वेश्चन को 4 मार्क्स मिलने वाले हैं गाइस, एक क्वेश्चन को 4 मार्क्स। तो आप समझ लेना क्वेश्चन नंबर 5 में, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 करने से आपको 40 में से 12 ऐसे मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 को अच्छे से प्रैक्टिस करना, बड़े बड़े आंसर है, तो इसका भी आप कमेंट करके फटाफट आंसर बता देना, ठीक है ना। तो इसमें आंसर बताते समय चैलेंज 14, चैलेंज 15, चैलेंज 16, चैलेंज नंबर 17, चैलेंज नंबर 18। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सारे आंसर बताओ, जितना आपको पता है, जितना आपको अच्छे से पता है वो आंसर आप बता देना, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे इस सेशन को अपन एंड करते हैं। आई होप सो ये क्वेश्चन पेपर आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है आपके एग्जामिनेशन में आइडिया देने के लिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो लाइक इट, इफ यू लाइक दिस चैनल सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग, और कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे चैनल्स पे वीडियोस,
क्वेश्चंस पेपर अपलोडेड है, प्रैक्टिस पेपर अपलोडेड है, जाओ अच्छे से देखो और प्रैक्टिस करो। कीप एक्सप्लोरिंग, हैव अ ग्रेट डे।